नमस्ते टू ऑल, माई सेल्फ सुनीता, आई एम इम्यूनोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज बात करूंगी आपके फॉरेन सेटलमेंट के ऊपर। अगेन लेकर आई हूँ वास्तु रेमेडी। प्लीज़ डू दिस एंड शेयर योर फीडबैक्स विद मी। इस साल तो आपको पक्का पहुँचाना है, मुझे आपको फॉरेन सेटल करना है या आपको फॉरेन में घुमा के लाना है। ठीक है, आप मेरी वास्तु रेमेडीज फॉलो कीजिए। क्या करना है आपको, देखिए जो फॉरेन टूर होता है हमारा, फॉरेन सेटलमेंट होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, अपना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक्टिव करना होता है, क्योंकि वो व्यावे कौन है, चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। बहुत डीपली नहीं जाऊंगी, ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी मुझे। सिंपली आपको अपने घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक्टिव कर देना है। अब बात करती हूँ अगर वास्तु दोष है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, अगर आपके घर में ब्रह्म स्थान से आप देखते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को, टॉयलेट आ गया है या किचन आ गई है या फिर ऐसा कुछ है कि कोई एंटी एक्टिविटी है, फायर रिलेटेड कुछ है वहाँ पे, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको सिंपल सी वास्तु की रेमेडी दे रही हूँ। आप वहाँ पर एक ग्लोब प्लेस कर दीजिए या वर्ल्ड का बहुत बड़े वाला मैप लेकर आइए। ये नहीं कि छोटा मोटा सा निकाल लिया आपने, कोई आपकी कॉपीज़ में निकल गया कहीं से, नहीं। थोड़ी सी मेहनत करो, बड़ा वाला साइज़ का वर्ल्ड मैप लेकर आओ और अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दो। अगर वहाँ पर एंटी एक्टिविटी हो रखी है तो उस कंडीशन में क्या करोगे, अपने घर में जो आपका रूम है उसके अंदर जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पड़ रही है, रूम में जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पड़ रही है, यानी कि एग्जैक्ट कोने में जाके आपको लगाना कि भाई वेस्ट का और नॉर्थ का कोना मिल रहा है, उस कोने में जाके मुझे वर्ल्ड मैप लगाना है। ऐसा नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, वेस्ट का और नॉर्थ का जो पार्ट है, मतलब कॉर्नर तो मैच हो रहा है, उसके साइडों में जो दीवार आ रही है वो भी नॉर्थ वेस्ट ही होती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक कोना ही, एक पर्टिकुलर कोना ही आपका नॉर्थ वेस्ट पड़ेगा। आप वहाँ पर वर्ल्ड का मैप लगा दीजिए, जो साइड साइड में दीवारें होती हैं, चाहे वो नॉर्थ की दीवार का पार्ट आ रहा हो या फिर आपके वेस्ट की दीवार का पार्ट आ रहा हो, वर्ल्ड मैप लगा दीजिए या फिर आप ग्लोब लगा सकते हैं। वास्तु रेमेडी है, अट्रैक्शन जोन है, अट्रैक्ट करेगा। सेकेंड चीज़, आपको अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन ज़रूर चेक करनी है। अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन है, अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, यानी कि सिर्फ मनी के लिए है, सिर्फ आपके बिजनेस के लिए, सिर्फ जॉब के लिए नहीं, वर्ल्ड टूर भी तो एक अपॉर्चुनिटी ही होगी ना आपके लिए। तो आपके नॉर्थ में कोई एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, एंटी एक्टिविटी है उसे आप ब्लॉक कीजिए और वहाँ पर आप ब्लू कलर इनहेंस कर दीजिए। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। तीसरा, आपको अगर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसके बाद भी ये रेमेडीज़ करने के बाद भी आपका फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन टूर नहीं लग पा रहा है, वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, अपने साउथ में जाकर आप ड्रैगन की एक पिक्चर लगा दीजिए। साउथ में ड्रैगन की पिक्चर लगा दीजिए। क्यों लगानी है, देखिए ड्रैगन जो है वो हमारी जितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमारे कामों में उसे दूर करता है। वास्तु के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ मैं ये, और हमारी मतलब सोच से भी आगे बियॉन्ड ले जाकर हमें रिजल्ट देने स्टार्ट कर देता है। तो आप ये मेरी तीन रेमेडी फॉलो कीजिए, आपको पक्का फॉरेन सेटलमेंट मिलेगा और पक्का 101% गारंटी है कि आप फॉरेन में सेटल भी हो सकते हो अगर आपकी कुंडली में योग आ रहा है। इवन फॉरेन टूर तो आप घूम के आ ही सकते हो किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड में आप लगा दीजिए आप नॉर्थ वेस्ट में। तीसरी बात करूँगी, ये तो ही मेरी वास्तु की रेमेडी। नेक्स्ट जो रेमेडी है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको खट्टे मीठे फल लाइक आम हो गया, कुछ भी खट्टे मीठे फल जो भी होते हैं, रसबेरी होगी, रेसबेरी जिसको हम बोलते हैं, वो गरीबों को दान देना शुरू कर दीजिए। आपके जितनी योग है ना वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एक महीने में भी आपको रिजल्ट आ सकता है, 3 महीने में भी आ सकता है, 6 महीने में भी, और साल भर में तो गारंटीड आएगा ही आएगा। डू दीज रेमेडीज एंड शेयर योर फीडबैक्स विद मी। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते।